हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी लौकी का भरता और जो बहुत टेस्टी बनता है। और लौकी के भरता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक लौकी ली है और लौकी है फ्रेश लौकी है, एकदम ताज़ा लौकी। और ऐसी लौकी चाहिए हमें जो अंदर से थोड़ा कच्ची हो, तो इसी से बनाऊंगी आज मैं बैंगन का भरता। और जो मैं लौकी में डालूंगी मसाले, वो मैंने यहाँ पे एक बड़ा साइज का प्याज था तो मैंने कट करके रख दिया, प्याज थोड़ा बड़ा था। और इसमें मैंने लहसुन भी काट के रखे हैं और एक दो तेज पत्ता है, काली मिर्च और एक दालचीनी का टुकड़ा है और एक लौंग, बड़ी इलायची और दो तीन मैंने हरी मिर्च कट करके रख दिए और दो टमाटर मैंने कद्दूकस करके रख दिए। तो चले फिर बनाते हैं लौकी का भरता। सबसे पहले मैं लौकी को चम्मच से और इसमें छेद कर दूंगी, ताकि लौकी जब हम लौकी को भूनेंगे गैस पे तो लौकी अंदर तक पक जाए। तो ऐसे करना है, पूरी लौकी पे डालना हमने, ताकि लौकी पकाते समय अंदर तक पक जाए, नहीं तो ऊपर तो पक जाएगा और अंदर कच्चा ही रह जाएगा। तो इसलिए हमें एक चम्मच की सहायता से इसमें छेद करने हैं। जो लौकी है, लौकी में मैंने सारे छेद कर दिए। तो अब मैं इसको गैस पे भून लूँगी। सबसे पहले मैं गैस जला दूँगी और इसको मैं गैस पे रख दूँगी और इसको हम अच्छे से भून देंगे और चारों तरफ से भूनना है इसको, बस जैसे हम बैंगन का भरता बनाते हैं उसी टाइप से बनेंगे। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ, लौकी अच्छे से भून चुकी है देखिए। तो अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल देती हूँ। और लौकी थोड़ी बड़ी साइज की, तो इसलिए मैंने इसको दो कतर कर दिए 20 से। अब इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे 5 मिनट तक। जब आप लौकी को भूनेंगे तो उस सबसे पहले लौकी पे तेल लगाना चाहिए, वो मैं दिखाना भूल गई थी। तो सबसे पहले लौकी पे तेल लगाना, उससे जो ये लौकी का ऊपर का छिलका है ये आसानी से निकल जाता है। और जब तक मेरा मसाला पक रहा है तब तक जो ये लौकी थी ये ठंडी होगी, जो मैंने इसको भूना था लौकी को। तो अब मैं इसको, ये जो ऊपर का छिलका है इसको निकाल देती हूँ। और आप चाहते हो इसको पानी में डाल के भी निकाल सकते हो, ऊपर का छिलका निकाल देंगे। इसका निकल रहा है देखो, ऐसे करके सारे छिलकों को निकालना है। और लौकी के ऊपर का मैंने सारा छिलका निकाल दिया है। अब मैं इसको कद्दूकस कर दूंगी। आप चाहे तो इसको मिक्सी में भी पीस सकते हो, लेकिन मोटा दरदरा करना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। तो अब मैं इसको क्रश दूंगी, इसमें कद्दूकस कर दूंगी। और लौकी बिल्कुल अंदर तक पक चुकी है, ये जो मैंने लौकी में छेद करे थे। लौकी मैंने सारी कद्दूकस कर दी है, जितनी भी लौकी थी, और देखो कितना अच्छा लग रहा है। जो मैं लौकी का भरता बना रही हूँ, तब बनाने के लिए मैंने ये कढ़ाई रख दी है। और सबसे पहले मैं इसमें तेल डाल दूंगी और तेल में सरसों का डाल रही हूँ। इसमें भरता बहुत ज्यादा टेस्टी बनता है सरसों के तेल में। और तेल आप अपने हिसाब से रखना, कम ज्यादा जितने आप डालते हो। मैंने तेल डाल दिया सरसों का, तेल को गर्म होने देंगे जब तक थोड़ा तेल पे भाप ना आए। तेल को ऐसे चारों तरफ कढ़ाई में भी लगा सकते हो, इससे जो मसाला है वो चिपकता नहीं है नीचे। जो मैंने तेल डाला था कढ़ाई में वो गर्म हो गया है, देखो भाप आ रही है ऊपर। तो अब मैं इसमें सबसे पहले जीरा डाल दूंगी और जीरा को हम थोड़ा तड़कने देंगे। और तेल बहुत गर्म है तो जीरा जल्दी से ब्राउन हो गया है, तो मैं इसमें प्याज डाल देती हूँ। तो पहले हम प्याज डाल देंगे और प्याज को मैं एक दो मिनट ऐसे ही चलाऊंगी। फिर हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, तो एक दो मिनट ऐसे चलाना है। प्याज को मैंने एक दो मिनट तक ऐसे ही चलाया है, तो अब मैं इसमें लहसुन अदरक और तेज पत्ता, ये काली मिर्च सब डाल दूंगी इसमें और इनको भी एक साथ में मिक्स कर देंगे और एक दो मिनट तक ऐसे ही चलाएंगे। जैसे बच्चे लौकी की सब्जी नहीं खाते हैं तो कभी हमें इस तरह भी ट्राई करके देखना चाहिए। तो जो हम लौकी का भरता बनाएंगे, तो मैंने एक दिन बनाया था तो बच्चों ने बहुत खुश होकर खाया था, तो इसीलिए मैं बना रही हूँ। आप भी जरूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी बनता है और बहुत अच्छा भी होता है। लौकी तो वैसे बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी होती है। और इसको लगातार चलाते रहना ताकि नीचे न लगे, इसको लगातार चलाया है ताकि नीचे न लगे। और जो ये अदरक लहसुन प्याज का ये पेस्ट है,
अब ये अच्छे से ब्राउन हो गया है, तो अब मैं इसमें टमाटर प्यूरी डाल देती हूँ जो मैंने कद्दूकस करके रखे हैं, दो टमाटर इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे टमाटरों को। अब मैं इसमें थोड़ी सी हींग डाल देती हूँ, हींग का स्वाद बहुत अच्छा आता है इसमें भरते में और पेट के लिए भी बहुत अच्छी होती है हींग अजवाइन। अब मैं इसमें मसाले डाल देती हूँ, थोड़ा सा हरी मिर्च काट रखी जो मैंने हरी मिर्च भी डाल देती है इसमें। अब मैं इसमें मसाले डाल देती हूँ, मैं सबसे पहले लाल मिर्च डालूंगी, लाल मिर्च मैंने कश्मीरी ली है, उसके बाद नमक, नमक अपने स्वाद अनुसार ले लेना, थोड़ा सा धनिया पाउडर है, जीरा कच्चा जीरा पाउडर, थोड़ा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा इसमें मैंने काली इलायची का पाउडर भी डाला है। अब हम सारे मसाले को मिक्स कर देंगे, एक दो मिनट तक ऐसे चलाना है इसको, उसके बाद में इसके ऊपर ढक्कन रख दूंगी मैं। और मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, ये टमाटर है मसालों के साथ में। अब इसको हमको 3 या 4 मिनट के ढक के पकाना है, तो मैं इसके ऊपर ढक्कन रख रही हूँ। 2-3 मिनट हो गए तो मैं अब चेक कर लेती हूँ, वैसे मैंने बीच में भी चलाया था एक बार, तो मसाले पक गए अच्छे से कि नहीं पके। और ये देखो मसाले अच्छे से पक गए, ये देखो ये तेल ऊपर आ गए, तो मसाले अच्छे से पक गए। और मैं ये तेज पत्ता निकाल दे रही हूँ क्योंकि तेज पत्ते की खुशबू तो इसमें आ ही गई होगी, अब तेज पत्ता निकाल देते हैं। अब मैं इसमें 1 चम्मच बेसन डाल देती हूँ, इससे भरते में बहुत अच्छा स्वाद आता है, बस 1 चम्मच डालना है, ज़्यादा नहीं। इसमें मैं 1 या 1.5 चम्मच मलाई डाल रही हूँ, मलाई डालने से बहुत अच्छा स्वाद आता है इसलिए मैं मलाई डाल रही हूँ। और अब इसको भी जो बेसन और मलाई है इसको भी हम मसालों के साथ में ऐसे मिक्स कर देंगे 1-2 मिनट, क्योंकि जो बेसन में कच्चापन है वो निकल जाएगा। और गैस की आंच मैंने फुल कर रखी है, इसको पकाएंगे 1-2 मिनट, बस 1-2 मिनट पकाना है इसे। और जो मैंने ये लौकी कद्दूकस करा था अब मैं इसमें डाल देती हूँ। लौकी देखो अच्छे से पक गई जो हमने आग में भुना था इसको, तो अंदर तक, तो आप भी ज़रूर ट्राई करना, बच्चे भी खुश होके खाएंगे। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी मसालों के साथ में लौकी को, और इसको 1-2 मिनट तक ऐसे ही चलाते रहना। अभी मैं इसमें कसूरी मेथी भी डालूंगी, लौकी के भरते में कसूरी मेथी डालूंगी, उससे भी बहुत अच्छा स्वाद आता है और खुशबू भी आती है, तो अभी मैं डालूंगी। अभी इसको पहले 1-2 मिनट मिला देती हूँ और फिर 1-2 मिनट तक हम ढक के रख देंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल देती हूँ क्रश करके। अब हम कसूरी मेथी को भी लौकी के साथ में मिक्स कर देंगे और इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, और 1-2 मिनट तक और मिलाएंगे इसमें। अब मैं इसके ऊपर ढक्कन रख देती हूँ और हम 5 या 7 मिनट बाद चेक करेंगे, और गैस की आंच में थोड़ा कम कर दूंगी, इसके ऊपर मैं ढक्कन रख देती हूँ, फिर चेक करेंगे हम। अब 5 मिनट हो गए तो मैं अब चेक कर लेती हूँ, देखो जो ये लौकी का भरता है ये, बस अब 1-2 मिनट और पकाना हमें, क्योंकि देखो तेल ऊपर आ गया है, तो मैं अब इसे मिक्स कर देती हूँ नीचे से ताकि नीचे न लगे। बस अब 1-2 मिनट और चलाना हम इसको, और जो ये भरता है बस ये बनने वाला है लौकी का, तो आप भी जरूर ट्राई करना अपने घर में। और मैं इसे 1-2 मिनट ऐसे मींग देती हूँ, जो ये लौकी का भरता है ये बन के पूरी तरह से रेडी हो गया है, तो अब मैं गैस बंद कर देती हूँ। देखो बहुत अच्छा बना है भरता, ऊपर से मैं गार्निश के लिए हरा धनिया डाल देती हूँ, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है सब्जी में। तो जो मैंने ये लौकी का भरता बनाया है बन के पूरी तरह से रेडी हो गया है, ये बन के पूरी तरह से रेडी हो गया है। और अगर आपको ये लौकी के भरते की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और कमेंट भी करना आपको कैसी लगी। मैं अगले वीडियो में मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय।